वामज्ञानते मेरा अंधस्य ज्ञानञ्जनाशलात्य चक्षुरुनमिलतमयना तस्मै श्री गुरुवेनम श्री चैतन्यमनो भष्टं स्थापितं येन भूत्तले स्वयं रूपः कदा मह्यं कदाती सबदांतकं वन्दे अहं श्री, श्री, श्री गुरु श्रुता श्री रूप साग्र सहगण सह गण रघुनाथ तम सजीव साइत सवधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण ललिता श्री विशाखाता नम ओं विष्णुपदा कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गौर भक्त गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत से पाठ कर रहे हैं हम श्रृंखला में पढ़ते हुए <coughs> मध्य लीला श्री चैतन्य च एक सौ छिहत्तरवें प्यार से आगे की चर्चा आज हम करेंगे ए माता दुई जन करे बार बार विचित्र दुई भक्तिर स्नेह व्यवहार तो क्या कह रहे हैं स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद ने महाप्रभु को बारंबार कुछ भोजन दिया स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद ने महाप्रभु को बारंबार कुछ भोजन दिया इस तरह उन्होंने महाप्रभु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया यह अत्यंत असामान्य बात थी महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने बाइयों और बैठा लिया सार्वभौम ने जब स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद का व्यवहार देखा तो वे हंसने लगे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उत्तम भोजन देना चाहते थे अतः उन्होंने परोसने वाले मेरी आवाज आ रही है क्लियर अच्छे सारे ठीक अतएव उन्होंने परोसने वाले से बार बार उनकी पत्तल में उत्तम भोजन परोसने को कहा गोपीनाथ आचार्य ने भी उत्तम भोजन लाकर मधुर वचन कहते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया भट्टाचार्य को उत्तम भोजन परोसने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने कहा जरा विचार करें कि भट्टाचार्य का पूर्ववर्ती भौतिक आचरण कैसा था जरा विचार करें कि इस समय वे किस तरह दिव्य आनंद भोग रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पहले स्मार्थ ब्राह्मण थे अर्थात वे भौतिक स्तर पर वैदिक नियमों का कड़ाई से पालन करते थे संसारी स्तर पर किसी को विश्वास नहीं होता था कि प्रसाद दिव्य होता है और गोविंद ही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या कि वैष्णव मुक्त जीव होता है तो ये मैं एक दिन और भी आपको समझा रहा था कि जो भी भौतिकतावादी व्यक्ति होता है उसको ये तीन चीजों में विश्वास जल्दी नहीं होता क्या तीन चीजें हैं कि वैष्णव के प्रसाद दिव्य होता है गोविंद भगवान है, और मुक्त जीव होता है। ये दिव्य विचार सामान्य वैदिक पंडित की विचार सीमा के परे होते हैं अधिकांश वैदिक पंडित वेदांती कहलाते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य इससे पहले सारे मायावाद के जितने भी जो ग्रुप था उसके लीडर थे सार्वभौम भट्टाचार्य और एका एक से इनके अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि अब देखो क्या क्या खा रहे हैं है ना आप लोगों ने किसी ने सिल्वर स्पून वीडियो देखा है सिल्वर स्पून सिल्वर स्पून वीडियो किसी ने देखा है <laughs> एक उमेश प्रभु ने देखा है तो क्रिश्चियन जो वो फादर वगैरह होते हैं उन लोगों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें वो लोग क्या करते हैं केवल सुबह एक टोस्ट दिया जाता है बस और दोपहर में एकदम कठिन कठिन तपस्या वाला जीवन है उनका और एक केला दे देंगे या कोई एक ब्रेड दे देंगे फिर उसके साथ थोड़ा बटर दे देंगे शाम को बस ऐसे ही थोड़ा सा रहता है इन लोगों के लाइफ में आनंद नहीं है एकाएक से क्या हुआ कि एक दिन ऐसे एक मॉन्क्स के जो क्रिश्चियन मॉन्क्स के मोनेस्ट्री में हमारे कुछ भक्त लोग पहुंच गए अब हमारे भक्तों ने सोचा कि आज तो फीस्ट करना चाहिए कुछ फेस्टिवल रहा होगा फीस्ट करना चाहिए और इन लोगों ने क्या क्या बनाया समोसा वारुणी और बहुत सारी चीजें बना करके सब नीचे इन्होंने इनको बेसमेंट में जगह मिली इन्होंने रख दिया अब हुआ ये कि कई सारी चीजें बनाई गुलाब जामुन वगैरह सब कुछ अच्छा बना दिया और एक से क्या हुआ कि वो जो मॉन्क लोग थे उनको ये पता नहीं था कि अंदर ये बहुत बड़ी कुकिंग चल रही है ये लोग तो ट्रैवलिंग करने वाले थे तो इनके पास बस में सब कुछ था बस रहने का एक जगह स्थान चाहिए था इनको और ऊपर तपस्या चल रही थी टोस्ट खा के लोग जी रहे हैं एक टोस्ट में पूरा दिन दिन भर निकाल रहे हैं तो एकाएक से उनके जो फादर पीटर एक नाम था उनका वो चुपके से पता नहीं कहां से उनको महक लग गई समोसे वोसे वो नीचे आ गए अब ये लोग सब लोग छिपा रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं बना हुआ एकदम ढक के रख रहे हैं उसके पीछे ऊपर कुछ कुछ डाल रहे हैं चादर डाल रहे हैं कुछ डाल रहे हैं कि किसी को समोसा ना दिख जाए और भक्त लोग जो है यहाँ पे बहुत बड़ा फीस्ट बना हुआ था तो वो फादर पीटर ने पता नहीं कहां से बस पता कर लिया किसी तरह से और एक बार पहली बार उसने जब खाया एक गुलाब जामुन हो दिस इज सो गुड गुड बहुत अच्छा लग गया उसको फिर उसके बाद एक और फिर थोड़ा बारुणी भी पिया धीरे धीरे उसको एकदम पता है लेकिन सब भक्तों ने बताया कि ऊपर मत बताना यहाँ तुम खा तो लो लेकिन उसने ऊपर नहीं बताना लेकिन सोचने वाली बात यह है मायावादियों में आपको पता है मायावादियों में मैं बनारस में रहा मैंने देखा है सुबह कभी कभी ऐसे होता था कि मैं सुबह छह बजे चला जाता था और वही मायावादियों के साथ शिव जी के मंदिर में या मणिकर्णिका घाट पे दशाशु घाट पे नहीं तो अस्सी घाट पे बैठा रहता था सुबह से लेके शाम तक छह बजे तक तो वो लोग क्या करते हैं जो भी मिल जाता है आटा मिले खिचड़ी मिले चावल दाल सब्जी मिल जाए या जो भी मिल जाए सारा मिला देते हैं। और मिला करके उसको खाते हैं। अरे कौन कर पाएगा ऐसा तपस्या मायावादी लोग सच में और ये कहाँ जाने के लिए ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए और शिलाप्रपात ये कहते हैं वी कैन ईट आवर वे बैक टू बैक टू गॉड इट और हम लोग गुलाब जामुन के भगवत धाम जा सकते हैं हमारे भक्त लोग देखो कितने अच्छे से रहते हैं जानते हैं क्यों ऐसा क्यों है भक्ति के मार्ग में इतनी तपस्या भी नहीं है कोई बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है बस थोड़ा सा प्याज लहसुन छोड़ना है उसमें भी अगर रिश्तेदार लोगों को भक्त बना दिया तो एक तरह से ये प्रेरणा भी है कि रिश्तेदार भी भक, भक्त बन जाएंगे तो कम से कम उनके घर पे प्याज लहसुन मिलेगा इसलिए मौसी चाची सबको भक्त बनाओ है कि नहीं लेकिन भक्तों को आप देखेंगे कि ऐसा क्यों है ऐसा क्या कारण है कि भक्ति इतनी सरल है भक्ति में लोग एकदम आराम से भगवत धाम चले जा रहे हैं कोई देखो आ, और हठ योग है या फिर आ, अलग अलग जो बाकी जो अष्टांग योग के रास्ते हैं उसमें एक आसन पे बैठना है फिर उसके बाद ओम ऐसे बोलते रहो हमको अगर सोचो अभी चैंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है तो तो हमसे दो घंटे बैठा नहीं जाता केवल ओम करने के लिए बोला जाता तब तो हम फ्रस्ट्रेट होके कब का छोड़ चुके होते <laughs> अब इतने अच्छे वैष्णव भजन है ये सब सुन सकते हैं मायावादियों में अभी आप अगर आज शंकराचार्य के आप कोई लेक्चर सुन लेंगे ना अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि सुन लेंगे और इस तरह वॉइस मॉड्यूलेशन है उनकी भाषा में वॉइस मॉड्यूलेशन भी नहीं होता वो केवल रोबोट के जैसे बोलते हैं मतलब कोई बिल्कुल ही निरीह जीवन रहता है तो लेकिन हमारे संप्रदाय में ऐसा क्यों है कोई बता सकता है आप में से बाकी लोग तो इतना हठ योग तपस्या कर रहे हैं कोई हिमालय पे चला जा रहा है आपने ऐसे भी ऋषि महात्माओं को देखा होगा जो एकदम बाल एकदम जटा लगा करके बैठे हैं एक बार दुर्वासा मुनि जब वहां आए थे युधिष्ठिर के पास एक मिनट एक बार जब दुर्वासा मुनि के पास युधिष्ठिर मा, युधिष्ठिर महाराज के पास दुर्यासा मुनि आए थे तो अः तो, जब वो स्नान करने के लिए गए थे तो पहली बार इतने दिनों में दुर्वासा मुनि ने अपनी जटा खोली थी कभी खोलते नहीं थे ऐसे थे है ना पहली बार उन्होंने जटा खोली थी <laughs> तो सोचिए ऐसी अगर और आजकल के देखो हम भक्त लोग कितने स्मार्ट लगते हैं है ना जटा वाले देख करके तो बच्चे कई बार डर जाते हैं है कि नहीं कई बार बहुत जटा वाले रहते हैं कई बच्चे डर जाते हैं रोने लगते हैं और हमारे देखो भक्त लोग कितने दस दस दिन घरों में रहते हैं बच्चे इतने परत जाते हैं कि प्रभु जी जाने लगते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं कि हमारे प्रभु जी जा रहे हैं है कि कि आपको क्या लगता है है इतना आसान पद्धति भक्ति में अपना आराम से फीस्ट भी खा रहे हैं माला भी कोई बहुत ज्यादा इतना तपस्या है नहीं सुबह माला कर लिया अपना छ साढ़े छह बजे तक एक लेक्चर सुन लिया उसके बाद अपना सब कुछ कर रहे हैं और शिलाप्र जी कह रहे हैं कि ये लोग भगवत धाम चले जाएंगे अपना नौकरी कर रहे हैं शाम को आते हैं कृष्णा बुक पढ़ते हैं नरसिंह कवच पढ़ते हैं सो जाते हैं थैंक यू सॉरी लिख करके तो मतलब इतना आसान है भक्ति में इतना आसान कैसे है कोई उत्तर दे सकता है बाकी लोग तो हठ योग कर रहे हैं एक टांग पे खड़े हैं हिमालय पे जा रहे हैं हु? और हमारे यहाँ देखो सब लोग जबरदस्ती दे रहे प्रभु जी और लीजिए और लीजिए कैसे ऐसा क्यों है भाई कुछ आप बता सकते हो इसके बारे में वॉट वन थिंग इज देयर विच डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन भक्ति मार्ग एंड कर्म योग ज्ञान मार्ग कोई भी नहीं खूब सुनाए आप लोगों ने इसको खूब सुनाए बहुत बार इस स्टेटमेंट को मैंने बोला है खूब सुना है आपने अरे बहुत सार है सार है चलो राधिका माता जी रहे हैं कर्म योग और ज्ञान योग से बढ़कर भक्ति योग है और भक्ति योग सरल है और भक्ति योग करके सारे कार्य हो जाते हैं भगवान के साथ में हम संबंध स्थापित करते हैं और प्रेम पूर्वक भगवान का भोग बनाते हैं विग्रह का वस्त्र आभूषण वो सब हम करते हैं प्रेम पूर्वक तो और जैसे जप करते हैं तो हमारा ध्यान हो जाता है और कर्म करते हैं भगवान के लिए तो शायद थोड़ा ये पता है इसीलिए भक्ति सबसे ऊंचा है हरे कृष्णा धन्य संधिनी राधा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी जो तीन युगों में प्रभु जी वो इसी कलयुग में नहीं कर सकते नहीं। और शिला प्रपात जी ने इसको इतना सरल बना दिया कि इसमें हम जो भी यज्ञ में करते हैं तो भगवान भगवान के लिए ही करते और अर्चक ग्रह भी हम बहुत सरलता से कर सकते हैं और और तो और ये कलयुग में हरिनाम ही सबसे श्रेष्ठ है प्रभु जी जो भगवत धाम वापस जा सकते बहुत इजी है इतना सब तो नहीं कर सकते तो, थीक, 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 तो जी बहुत सरल बना दे कलयुग में और चैतन्य महाप्रभु सब हरिनाम संकीर्तन फैलाकर हम सब कृपा कर माता जी ने बहुत अच्छा बताया उमेश प्रभु आपका क्या विचार है हरे कृष्णा धनोत्तना प्रति प्रति ऐसे लग रहा था जैसे बाकी सब रास्ते हैं किसी में भी सर्विस टू लविंग सर्विस टू सुपीरियर्स और कृष्णा नहीं है बस भक्ति में यही सबसे बड़ी चीज है और यही हमें धीरे धीरे करके भगवत धाम की ओर पुश कर रही है ऐसे लग रहा था प्रति हरे कृष्णा धनोत्तना प्रति हरे कृष्णा प्रभु हमें चाहिए कि नाचना गाना खाना पीना ये सब कुछ तो कर रहे भक्ति में खाली कृष्ण की और डांस है अच्छा सा प्रसाद खाते सब कृष्ण की और मतलब प्रसाद खा रहे कृष्ण को ऑफरिंग करते डांस करे कृष्ण की तो ये भक्ति आपके लिए आसानी है खाली हमें कृष्ण की ओर मोड़ना है सब कुछ करे कृष्ण की ओर थोड़ा 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 जा रहा है थोड़ा थोड़ा एक कोई, एक, कोई एक शब्द वो बोल देता तो बस बस कोई और थोड़ा बहुत ट्राई करेगा मतलब भक्ति मार्ग इतना दिखने में आसान होते हुए भी श्रेष्ठ है और बेचारे वो बनारस में टेढ़े लटके हुए हैं एक पैर पे एक ऋषि को आप जाएंगे देखेंगे तो वो हवा से तीन फुट ऊपर उड़े हुए रहते हैं हमेशा बनारस में अस्सी घाट पे बैठे हैं एक, एक संत हैं एक तो अंतर्यामी है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए आए थे अमेरिका से ऐसे ऐसे लोगों से भी हमारे घर में जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये श्रेष्ठ हैं ऐसा शिला प्रपात कहते हैं जो हले कृष्णा बोल देते हैं <laughs> जो हले कृष्णा बोल देते हैं ये बच्चे हमारे घर के ये ऐसे सब योगियों से बहुत ऊपर है ये ऐसा क्यों है राधिका माता फिर से हाथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो जो प्रसाद बांटा है वो भक्त शिरोमणि वो सभी के लिए चाहते हैं कि सब भक्ति करें और भक्ति का आनंद प्राप्त करें और जो कितने परेशान हैं सभी लोग तो भक्तों का जो व्यवहार होता है वैसा होता है कि वो सबके लिए है पर दुखी दुखी होता है दूसरों का दुख तकलीफ दुखी होता है और सबके लिए अच्छा चाहते हैं हम्म अच्छा आई थिंक ठीक है अच्छा भक्ति में ना एक सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो गुण है भक्ति में उसमें अपने ईगो को दबाना है अपना जो ईगो है हर एक रास्ते में योग के मार्ग में आप देखेंगे मैं करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा मैं है ना अष्टांग योग में मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा फिर भगवान को प्राप्त करूंगा लेकिन भक्ति में ये ईगो नहीं होता चलो हम प्रयास करें अगर भगवान की कृपा होगी तो बिकॉज भक्ति इज ए मर्सी प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व गॉड हिमसेल्फ बाकी जो रास्ते हैं वो जैसे एक बंदर का बच्चा अपनी माता बंदरिया को पकड़ता है उसके जैसे है पकड़ खुद से अपनी शक्ति से पकड़ता है लेकिन भक्ति जो मार्ग है इसमें भग माँ जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली को बिल्ली बिल्ली के बच्चे को पकड़ती है वैसे है भगवान ही उस भक्त को ले जाना चाहते हैं तो ये कृपा का मार्ग है इस वजह से ये आसान है और इसमें ईगो को आपने दबा दिया ना कि चलो किसी के शरण में आ गए मतलब मेरा ईगो कुछ भी नहीं है तो जो ईगो को ये खत्म कर दिया जाता है इस वजह से भक्ति सबसे आसान मार्ग है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है क्यों क्योंकि इसमें ईगो सेक्रीफाइस किया जाता है बाकी सब रास्तों में ईगो नहीं सैक्रीफाइ अगर दो मायावादी रहेंगे तो बगल बगल में अगर हैं तो बातें नहीं करेंगे कभी उनके लगे हम क्यों बात करें हम बड़े साधु है तो बोलते हैं हम बड़े साधु हैं दोनों बात नहीं करते लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो दोनों ही सोच रहे हैं कि हम तो दास हैं यही बड़े होंगे हाँ ठीक है तो इसलिए फिर भक्ति जो है क्योंकि इसमें अपने ईगो को कम कर दिया जाता है दबा दिया जाता है इसलिए ये जो सेक्रीफाइस है ये बहुत बड़ा होता है ईगो को कोई सेक्रीफाइस नहीं करता जल्दी जल्दी से आप देखो कोई सब कुछ को छोड़ देंगे पैसा रुपया बहुत सारी चीज छोड़ना भी आसान है लेकिन ईगो को छोड़ना बहुत मुश्किल है दो दो तीन तीन पुरखों तक वो झगड़ा चला हुआ आता रहता है तो इसलिए भक्ति जो है क्योंकि इसमें इस तरह की शरणागति है इसलिए भक्ति श्रेष्ठ पद्धति है क्योंकि ये भक्ति कृपा का की पद्धति है इसमें कृष्ण स्वयं इन्वॉल्व है इसलिए भक्ति श्रेष्ठ पद्धति है और इसमें हंसते खेलते हुए करते हुए भी क्योंकि उस ईगो को व्यक्ति ने छोड़ दिया है ना नहीं ईगो को व्यक्ति ने छोड़ दिया इसलिए उसके लिए सब कुछ अच्छा हो गया लेकिन अगर कोई ईगो वाला रहता है तो उसके लिए बड़ा कठिन होता है इसी चीज को देखो संसारी स्तर पर किसी को विश्वास नहीं होता कि प्रसाद दिव्य होता है गोविंद ही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वैष्णव मुक्त जीव ये दिव्य विचार सामान्य वैदिक पंडित के विचार सीमा के परे होते हैं अधिकांश वैदिक पंडित वेदांती कहलाते हैं तथा कथित वेदांति परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं उनका यह भी विश्वास है कि, कि किसी विशेष जाति में उत्पन्न व्यक्ति तब तक अपनी जाति नहीं बदल सकता जब तक वह मर कर फिर से जन्म न ले स्मार्त ब्राह्मण इस तथ्य को भी नहीं मानते कि महाप्रसाद दिव्य होता है और भौतिक दृष्टि से आकलोशित होता है प्रारंभ में सार्वभम भट्टाचार्य भौतिक स्तर पर वैदिक विधि विधानों को मानते थे किंतु गोपीनाथ आचार्य ने इंगित किया कि अब वही भट्टाचार्य किस तरह चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी की कृपा से बदल चुके हैं है अब एक समय था कि सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादियों के लीडर हुआ करते थे टीचर हुआ करते थे अब सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं देखो भक्त लोग जबरदस्ती गुलाब जामुन डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं तो उसपे बहुत आनंद ले रहे हैं इनकी जिंदगी बदल गई है कि नहीं भक्तों में देखो क्या रहता है अपना वृंदावन जाते हैं वहां पे पूरा यात्रा होती है खूब कभी स्नान कर रहे हैं यमुना स्नान कर रहे हैं फिर भक्त सब एक साथ प्रसाद पा रहे हैं हु? और कीर्तन कर रहे हैं नाच रहे हैं इस तरह की पद्धति भक्ति में है और ईगो को छोड़ने की वजह से भगवत धाम चले जाते हैं और नहीं तो अगर मान लो अपने मेहुल प्रभु को बोल दिया जाता कि अभी बैठो यहाँ पर कुछ करना नहीं है बस बैठे रहो यहाँ पर और चौदह पंद्रह घंटे बस बैठे रहो यहाँ पे <laughs> बेहोश हो जाना था <laughs> कुछ भी नहीं कर पाते हैं कि नहीं? तो मतलब है कि नहीं इसका मतलब ये है कि भक्ति में देखो ये कितना आसान हो जाता है ईगो को अगर हम हमने पकड़ लिया है अपने ईगो को हमने पकड़ लिया वही ईगो को अगर हम छोड़ दें कि मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं लेकिन ईगो इतना भारी होता है उसको उस ईगो के भोज को उठाए उठाए मान लो किसी व्यक्ति से आपका थोड़ा विवाद हो गया और वो बैंगलोर में रहता है अब आप गए वहां पे वो बैंगलोर में रहते हैं अब आप ईगो की वजह से उसके घर नहीं जा रहे आप जा रहे कमरा ले रहे एक रूम बुक किया पंद्रह सौ का फिर उसके बाद होटल में खाना खा रहे हैं वो किसी तरह से बिना प्याज लहसुन का जो भी मिला इतना अरेंजमेंट करना पड़ा अगर थोड़ा सा ईगो छोड़ दिए होते सारी यार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ बस काम खत्म रहना फ्री खाना फ्री सब फ्री बढ़िया से आनंद से रहते भजन कीर्तन भी होता भोग लगाया मिलता एक दोस्त नया मिल जाता लेकिन ईगो छोड़ अब ईगो पकड़े हुए हैं इतना भारी है ये ईगो इसी वजह से ये सारे मायावादी सब लोगों को कष्ट होता है अब भक्त लोग क्या है बोल दिए ठीक है सॉरी प्रभु जी गलती हो गया अरे अब निकल गया बस हो गया बस हो गया फिर उसके बाद खुश खुशी जीवन जियो और क्या तो इसलिए भक्ति जो है एक तरह से आप देखो इसमें क्या है आसान हो जाता है ईगो छोड़ने की वजह से आसान हो जाता अब देखो सार्वभन भट्टाचार्य को कितना खुश जीवन है है ना नहीं पहले तो इतना स्ट्रिक्ट था यहाँ पे नहीं वहां पे नहीं बैठना वहां पे नहीं बैठना अब आजकल क्या करते हैं सुबह सुबह उठते हैं चारपाई पे बैठे बैठे ही महाप्रसाद मिला बिना मंजन किए लिए <laughs> क्या देखो सार्वभम भट्टाचार्य क्या खुश बच्चों के जैसा जीवन है ना एकदम आनंद में जीवन जी रहे विधि विधानों को मानते थे किंतु गोपीनाथ आचार्य ने इंगित किया कि अब वही भट्टाचार्य किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा से बदल चुके हैं बदल जाने के कारण ही सार्वभौम ने वैष्णवों के साथ प्रसाद ग्रहण किया वे श्री चैतन्य महाप्रभु की बगल में बैठे थे नहीं? अब अगर ईगो वाले होते ना तो अभी तक सार्वभम भट्टाचार्य कहीं कोने में बैठते एक बड़े आसन उनके लिए लगाया जाता और फिर उसके बाद वो भी बहुत संकोच से खाते अब दूसरा गुलाब जामुन अगर खाना है तो भाई सन्यासी हैं कैसे मांग ले अब ऐसे भक्त हैं तो बोल सकते हैं हरि बोल एक और लाना आराम से खुशी खुशी खा सकते हैं खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं है कि नहीं अब बेचारे सार्वभौम भट्टाचार्य का जीवन बदल गया कितना अच्छा हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को उत्तर दिया मैं अल्प बुद्धि तार्किक था फिर भी आपकी कृपा से मुझे सिद्धि का यह ऐश्वर्य प्राप्त हो सका सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त इतना दयावान कौन हो सकता है उन्होंने एक कौवे को गरुड़ बना दिया भला इतना दयावान और कौन हो सकता है तार्किक व्यक्ति रूपी सियारों के साथ मैं भौ भों कर की गूंज करता था अब मैं उसी मुंह से कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा हूं कहा मैं भक्त तार्किक शिष्यों के संगति में रहता था स्क्रीन इज नॉट विजिबल स्क्रीन तो विजिबल है बाकी सबको तो विजिबल है नहीं आपको नहीं विजिबल है हाँ? अभी भी नहीं विजिबल है अच्छा कुछ आपने किया होगा अपने सिस्टम में बाकी संधिनी राधा माता जी पुष्टि रूपा माता जी इन लोगों को तो विजिबल है सबको है कि नहीं सबको विजिबल है आपने कुछ किया होगा इसमें अपने सिस्टम में चलो ठीक अच्छा। okay. है तो अब भक्तों के संग रूपी अमृत के सागर की लहरों में निमग्न हूं जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया है बहिर्मुख शब्द भौतिक सुख का भोग करने में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का सूचक है ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति का भोगता बताता है बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभक्त कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाता है तो ये कैसे भुला भुलाया जाता है उसको ये थोड़ा आप एक डायग्राम से हम समझेंगे देखो ये जीवात्मा जब इस संसार में आता है तो मान लो ये है हमारे मिस्टर डब्लू ये डब्लू जी खूब हंसी खुशी से जीते रहते हैं और अपना खेलते कूदते जाते रहते हैं और ये हैं तो भगवान के अंश लेकिन इनको बीच बीच में कैडबरी चॉकलेट दिखाया जाता है फिर उसके बाद कभी कैडबरी चॉकलेट दिखाया जाता है कभी एक बढ़िया सा सोफा दिखाया जाता है है कि नहीं, नहीं सोचते हैं कि चलो अब इस पर बैठ जाते हैं फिर इन सब ऑप्शन से इनको जाना तो था एयरपोर्ट लेकिन ये कभी यहां बैठ गए कभी यहां चॉकलेट खाने लगे कभी किसी ने कहा कि आओ तुम्हें एक माला पहना है तो इन्होंने कहा अरे वाह आज तक तो मुझे शादी के बाद किसी ने माला ही नहीं पहनाया आप लोग माला पहना रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो बस इन्हीं सब चीजों की वजह से फंस करके व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है बहुत सारी चीजें मिलने लगती हैं फिर कोई कहता है एक बहुत बढ़िया नौकरी मिल रही है जिसमें एक बढ़िया सा केबिन होगा उसमें आपका कॉर्नर में एक लैपटॉप मिलेगा आपको है ना और उस लैपटॉप में आप आराम से शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुन सकते हैं फिर कोई आएगा कहेगा कि यारे गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते तुम नहीं? फिर आप भी कहेंगे हाँ ये बात तो सही है तो मुझे जरूरत भी है नहीं? उसके बाद आपने गाड़ी खरीद ली यानी हाउ दिस इज दिस इज द वे एक जीवात्मा को कृष्ण को भुलाया जाता है व्यक्ति इन्हीं सब चीजों में दिखाया जाता है व्यक्ति इन्हीं सब चीजों में फंस जाता है और कृष्ण को भूल जाता है और उसके बाद जब भूल जाता है तो उसको कोई अगर कृष्ण बताए भी तो उसको याद नहीं आता क्योंकि उसको लगता है कि अरे क्यों है ना नहीं इन्हीं सब चीजों में फंस जाता है जीवात्मा तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं जैसा कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बतलाया है बहिर्मुख शब्द भौतिक सुख का भोग करने में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का सूचक है ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति का भोगता मानता बताता है बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभक्त कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाता है बार बार जो बाह्य ऐश्वर्य आकृष्ट हो जाता है कोई आता है बोलता है कि अरे देखो ये तुम्हारे घर पे जो फ्रिज है वो तो सिंगल डोर का है अब तुमको डबल डोर की जरूरत है अब तुमको डबल डोर में भी इतना बड़ा फ्रिज चाहिए कि उसमें दो तीन लोग कभी गर्मी में सो तो सके और फिर वो इतना बड़ा बड़ा फ्रिज लेने के चक्कर में बहुत सारा डेढ़ लाख का फ्रिज है उसको करने के चक्कर में बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण कृष्ण के साथ अपने गणेश संबंध को फिर भूल जाता है ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित और घर में हमेशा ऐसा ही होता रहता है कि अपग्रेड चाहिए है ना नहीं हमेशा ऐसा होता रहता है घरों में मैंने देखा है कभी ये होगा कि फ्रिज पुराना हो गया अभी नया फिर प्रेस पुराना हो गया अभी नया इसी तरह से हर घर में एक कुएं के सामान अगर एक करोड़ रुपए भी आप डाल देंगे ना घर में तो फिर माता जी घर से निकलेंगे कि अच्छा अब 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 क्या आप तो कुछ नहीं है वह खत्म और चाहिए <laughs> सच में आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एक करोड़ रुपए आपको अगर मिल जाए अभी तो उसके बाद आप कहेंगे अब कुछ जरूरत नहीं है <laughs> घर में घर में सच में मैंने देखा है कि जितना भी डाल दो ना कम लगने लगता है लगता है कि अरे अभी और जरूरत है तो ये जो यहां पर इस चीज को कह रहे हैं कि बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट रहता है नया नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है कुछ ना कुछ, कुछ नया आता ही रहता है और नया व्यक्ति फिर पहले आपको याद होगा कि पहले ना एक मच्छर मारने के लिए एक टिकिया आती थी, थी आपको याद है आप लोग पता नहीं याद है कि नहीं एक टिकिया से आती थी जिसको लोग जो है वो एक वो एक मशीन से आती थी उसमें डाल देते थे वो मच्छर उसमें वो हो जाता था अब उसके बाद फिर हाँ उससे पहले आता था वो उसको बोलते थे हम लोग मॉस्किटो कॉइल है ना कॉयल आती थी वो कॉल जला देते थे उसको सब हो जाता सब लोग ये सोचते थे अरे हम बिना कॉयल के नहीं सोच सकते उसके बाद ये अपग्रेड हो गया देखो माया देवी कितनी बुद्धिमान है पहली बार में ऑलआउट नहीं बनाया पहली बार में मॉस्किटो कॉयल बनाया उनको मालूम था पहले कुछ लोगों को मॉस्किटो कॉयल में फंसाएंगे फिर उसके बाद टिकिया में फंसाएंगे फिर उसके बाद ऑल आउट में फंसाएंगे फिर उसके बाद आजकल अभी नया सिस्टम आ गया है एक एक हमारे भक्त ने अभी कुछ दिन पहले एक नया मशीन है जिसमें कि की कोई, मतलब कोई कीड़ा वगैरह कोई मच्छर वगैरह वो नहीं आएगा वो कुछ रेज वगैरह रहती है उसके वजह से और फिर अब 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 जो लेटेस्ट आ गया है उसमें तो एक नया वो है एयर प्योरीफायर कम एक दो चार चीजें हैं वो चार हजार का यानी दस पंद्रह हजार का है वो घर किनारे रखा रहेगा वो आपके घर के कम हवा को साफ करेगा मैं सोच रहा था ये इतना मतलब घर में हमेशा अपग्रेड की जरूरत है सोचिए माया देवी पहली बार में अल्टीमेट मशीन क्यों नहीं बना देती <laughs> सोचने वाली बात है अब अगर मान लो डीफ्रॉस्ट फ्रिज ही बनाना था तो पहली बार में क्यों नहीं बन गया डीफ्रॉस्ट फ्रिज ताकि मेहुल प्रो खरीदते रहे या कोई भक्त लोग जीवन भर खरीदते रहे परेशान रहे लोग है ना नहीं देखा वो 5G आ गया आजकल गाड़ियों में कोई 5G, अभी ये लोग स्टार्टिंग से देखो मोबाइल में 4G आया ना शुरू से 4G क्यों नहीं आया हमको माया देवी को बेवकूफ बनाने के लिए टू जी भी खरीदा हमने थ्री जी भी खरीदा सब हमसे खरीदवा रहे क्यों ये माया देवी हमेशा अपग्रेड करती रहती है और हम 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 बेवकूफों के जैसे शॉपिंग करते रहते ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं केवल सबके लिए नहीं बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभक्त कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाता है उसको बस यही याद रहता है कि अरे अब बच्चे के लिए हॉर्लिक्स लाना है हॉर्लिक्स आप जरा अपने दादाजी वगैरह से पूछना किसने हॉर्लिक्स पिया था किसी ने किसी ने हॉर्लिक्स नहीं पिया था एक थप्पड़ अगर दादाजी मार दे तो बच्चा बेहोश हो जाएगा जो हॉर्लिक्स पी रहा है, <laughs> है कि नहीं दादाजी अगर अभी अच्छे से एक थप्पड़ मार दें तो बच्चा बेहोश हो जाएगा जो कि हॉर्लिक्स पी रहा है और हम सोच रहे हैं उसको हॉर्लिक्स पिराना है बहुत जरूरी है माया देवी हमेशा अपग्रेड रहती है और हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं वो बस इसी में फंसे रहते हैं अभी नया आ गया डी फ्रॉस्ट फ्रिज आ गया डबल डोर आ गया फिर ऐसे ही कर, करके करके अभी हमारे वहाँ पे एक वहां पर एक ए खरीदना था मंदिर में एसी तो में इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं पहले एसी का मतलब बस ठंडा करो अब एसी का मतलब है उसमें इन्वर्टर एसी स्प्लिट एसी इन्वर्टर एसी उसमें से एक अभी जाने कितने सारे ऑप्शन आ गए एसी में इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं? हैं और वो एक ऑप्शन वो बस वहां पे लिख देंगे एक ऑप्शन बस वो वहां पे लिख देंगे मान लो एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल इतना लिख करके वो तैतीस हजार से बयालीस हजार हो जाएगा उसके बाद फिर एक नया आएगा हाँ अलार्म आ गया एसी में अभी देखो अलार्म आ गया एक नया आया है जिसमें स्मार्ट एसी अब स्मार्ट एसी का सिस्टम आ गया आपको पता है आप लोग ज्यादा नहीं जानते ना आप लोग तो वैष्णव है ना भक्त लोग हैं हम अभक्त नहीं भक्त नहीं है, हम जानते हैं है कि नहीं आप लोग तो भक्त है सारे शुद्ध भक्त है इसलिए आप लोगों को ज्यादा नहीं पता लेकिन हम अभक्त हैं तो हम लोग जानते हैं ऐसा ए आ गया है अभी स्मार्ट ए मतलब उसमें आप सेटिंग कर दीजिए जब आप सो जाएंगे तो वो टेम्परेचर ज्यादा कर देगा <laughs> मतलब तब आप गर्मी में सोएंगे जब तक आप उसको पता चल जाएगा कि आप नींद में हो आप मतलब इतना स्मार्ट एसी आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एसी और रेट कितना है अब उसी में पचपन हजार मैं ये कह रहा हूं ये सारा स्टार्टिंग में क्यों नहीं बनाया तुमने ताकि लोग खरीदते रहे हमको फंसाने के लिए सारा माया देवी अपग्रेड करती रहती है कि नहीं देखो यहां बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभक्त अभी कृष्ण को भूल जाते हैं अब टेंशन रहेगी एक ए लगा हुआ है चल रहा है काम लेकिन अब दूसरे के घर घर में टीवी लगा हुआ है थर्टी टू इंच का टीवी था लगा हुआ था कभी कभी जरूरत पड़ती थी बच्चे को लिटिल कृष्णा दिखाने के लिए किसी और के घर में गए वहां गए देखा कि स्मार्ट टीवी अच्छा ये मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है ओ यूट्यूब भी चल जाता है ओ वाईफाई ओ अच्छा अब बस अब लो अब वो बेचारा आपने तीस हजार का खरीदा था सिंपल सा टीवी था अभी का एक से अरे पंद्रह बीस हजार में नॉर्मल टीवी मिल जाता बत्तीस इंच का है ना नहीं? अब आपने क्या किया टीवी अब स्मार्ट टीवी खरीदोगे तो फिर छब्बीस हजार है ना नहीं उसमें भी फिर नए नए ब्रांड फिर पता चलता है कि चाइना वाले उसी टीवी को फिर पांच रुपए में ही बांट रहे हैं आप सोच रहे अरे भाई इन लोगों को क्या हो गया है वही जो ब्रांड आप देख रहे थे इंडिया के कोई ब्रांड या कोई और ब्रांड हो वो बेचारा वो चालीस हजार में दे रहा है चाइना का नया मॉडल आता है वो छह हजार में दे रहा है आप वही सारे फीचर और आप परेशान है कि ये ले कि ये ले और इसी तरह से कृष्ण भूलिया जीव भोगवान छा करी और इस तरह से भूल जाता है मैं आपको बताता हूँ भक्त तो लोगों को तो चश्मे तक भी परेशान कर देती है माया देवी <laughs> चश्मे में इतने सारे आ गए आजकल एक चश्मा आ गया उसमें एक छोटा सा बस लेंस का एरिया होता है उसके बाद फिर वो पूरा ये पूरा चश्मा नहीं होता है वो वो इतना सा एरिया होता है हमारी एक बेटिया है स्वधा वहां पे विवेक प्रभु की बेटी है तो वो चश्मा जो उसको लगा हुआ है वो कभी उस चश्मे के अंदर से नहीं दे, देखती है हमेशा उसके ऊपर से देखती है प्रभु जी इधर से ठीक दिखता है ज्यादा तो तुम्हें चश्मा क्यों लगाया है पे देखो मैं शिला ये सच को बोल रहे हैं बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभक्त कृष्ण के साथ अपने घने संबंध को भूल जाता है तो कॉन्क्लूजन क्या है कॉन्क्लूजन ये है कि ये अपग्रेड कभी नहीं रुकेगा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में बर्तनों की इफरात हो गए अब बर्तनों की कमी नहीं है अब देखो हर धनतेरस होता है कुछ होता है नए बर्तन खरीदे जाते लोग नहीं बढ़े लोग तो तीन ही है घर में लेकिन और नए और होते जाते हैं ना नहीं और और मतलब बढ़ते ही जाते हैं तो माया देवी इसीलिए हमको क्या करना चाहिए चलो ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि मना कर रहा हूँ एसी नहीं लगवाना चाहिए घर में लगवाना चाहिए अच्छा स्मार्ट ए एस, सी लगवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस बात को समझने वाली बात है कि जब जब भजन का समय आए उस समय को मत डिस्टर्ब करना चाहिए भक्ति के टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इन चीजों के लिए क्योंकि ये अपग्रेड तो चलते ही रहेंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा लैपटॉप खरीदने जाओ आई सेवन अभी आई सेवन के अंदर भी जनरेशन आ गए इलेवन थाउजेंड फोर्टी अरे फोर्टी उसमें भी इलेवन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स हंड्रेड सेवेंटी सिक्स सी इलेवन हंड्रेड सिक्स यू ओ माई गॉड इस तरह से व्यक्ति जो है बहुत परेशान हो जाता है माया देवी द्वारा इसलिए अपने भजन का शेड्यूल कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस दुनिया के अपग्रेड से सुबह भजन करना है दोपहर में अपना चैतन्य चत क्लास होती है शाम को भी भजन करना है बीच में अगर टाइम मिला तो ये दुनिया के अपग्रेड को सोचेंगे भजन को सैक्रिफाइस करके अपग्रेड के लिए पीछे नहीं भागना चाहिए बाह्य ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभक्त कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाता है ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होने का विचार पसंद नहीं आता श्रीमद् भागवत में श्रील प्रह्लाद प्रसाद महाराज ने यही बात कही है म न कृष्ण परतः सतो वामिथो विवत्तेत गृहव्रतानाम अदांतगोभिर् विशुतांतमिश्वनम पुनस्पुनश्चर्बित चरवनानाते विदो स्वार्थ गतेम हि विष्णु दुराशयाये बहिर्अर्थमानिन अंधायथांबे रूपनीयमानान् तेपीष्ट तंत्र्या मुरदां निबद्ध ऐसे भौतिकवादी जो भौतिक देह भौतिक जगत तथा भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और जो अपनी भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते वे भौतिक अस्तित्व के गहनतम अंधकार में स्थानों को प्राप्त होते ऐसे व्यक्ति न तो स्वयं न ही सामूहिक प्रयासों से कृष्ण भावना भावित हो पाते ऐसे लोग यह समझ ही नहीं पाते कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को समझना है मानव जीवन इसी विशेष उद्देश्य के लिए मिला है और मनुष्य को सभी प्रकार की तपस्याएं तथा व्रत करने चाहिए तथा इंद्रिय तृप्ति की लालसा से दूर रहना चाहिए भौतिकतावादी सदैव अंधे बने रहते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन सदैव अंधे मूर्ख लोग करते हैं है ना नहीं? तो भौतिकतावादी हमेशा ही अंधे बने रहते हैं क्योंकि उनको मार्गदर्शन करने वाले भी मूर्ख लोग हैं है ना नहीं? कैसे मूर्ख लोग हैं वो होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर उनका मार्गदर्शन करते हैं उनको भी पता नहीं होता है वो भी उनको और फंसाए रखते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है कि वह भी करने के लिए स्वतंत्र है वह यह नहीं जानता कि वह प्रकृति के कठोर नियमों से बंधा हुआ है न ही वह यह जानता है कि उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करना है इसी भौतिक जगत में सदा सड़ना है ऐसे मूर्ख तथा मूर्ख लोग अपने मूर्ख नेताओं की इंद्रिय तृप्ति की प्रार्थनाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं और यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण भावना में क्या है आध्यात्मिक आकाश से बाहर भौतिक जगत है और भौतिकतावादी मूर्ख नहीं समझ पाता कि इस भौतिक आकाश का विस्तार कितना है तब भला वह आध्यात्मिक आकाश के बारे में क्या जान सकता है भौतिकतावादी लोग केवल अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर विश्वास करते हैं और प्रामाणिक शास्त्रों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को शास्त्रों के प्रमाणों के माध्यम से देखना होता है शास्त्र चक्षु वैदिक साहित्य के माध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए इस तरह भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत में भेद किया जा सकता है यदि ऐसे आदेशों की उपेक्षा की जाती है तो आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता चूंकि भौतिकतावादी लोग अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल चुके हैं अतएव इस भौतिक जगत को सर्व समान बैठे हैं इसीलिए वो बहिर्मुख कहलाते हैं चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभम भट्टाचार्य को कहा आप अपने पूर्व जन्म से कृष्ण भावनामृत में रहते आ रहे हो आप कृष्ण से इतना प्रेम करते हो कि आपकी संगति से हम लोगों में कृष्ण भावना विकसित हो रही है इस तरह तीनों लोगों के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो भक्तों की महिमा को बढ़ाने की इच्छा रखता हो और उन्हें संतोष प्रदान करता हो इस संबंध में कपिल देव तथा तो देवहूति के मध्य हुई भक्ति विषयक वार्ता देखनी चाहिए जो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में पाई जाती है तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी पर चढ़ाया गया सारा पीठा पाना लेकर अन्य सभी भक्तों को एक एक करके बुला बुलाकर उनमें वितरित कर दिया श्री अद्वैताचार्य तथा नित्यानंद प्रभु पास पास बैठ गए और जब प्रसाद बांटा जाने लगा तो एक तरह से दिखावटी झगड़े में लग गए पहले अद्वैताचार्य ने कहा मैं एक अज्ञात अवधूत के साथ पंक्ति में बैठा हूं और उसके साथ भोजन कर रहा हूं अतः मैं नहीं जानता कि मेरी गति क्या होगी चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं अतः वे कोई दोष नहीं देखते तथ्य तो यह है कि सन्यासी कहीं का भी अन्न खाने से प्रभावित नहीं होता शास्त्रों के अनुसार यदि सन्यासी दूसरे के घर में भोजन करे तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है किंतु गृहस्थ ब्राह्मण के लिए इस तरह भोजन करना दोषपूर्ण है है? तो ये ये इनके लिए है जो कि पूर्ण समर्पित हैं उनको तो खूब वो तो चाहे तो क्योंकि उनका कोई आश्रय नहीं है तो ठीक है इसके लिए शास्त्र आदेश करता है सन्यासी को अग्नि नहीं जलाना चाहिए ना अन्न दोषेण मस्करी ए शास्त्र प्रमाण अमित गृहस्थ ब्राह्मण आमार दोष स्थान जिन लोगों का कुल चरित्र तथा आचरण अज्ञात हो उनके साथ को भोजन करना उचित नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत ही साथवैताचार्य का खंडन करते हुए कहा आप निर्विशेष अद्वैतवाद के शिक्षक हो और अद्वैतवादी निष्कर्ष प्रगतिशील शुद्ध भक्ति के पथ में बहुत बड़ा अवरोध है जो आपके निर्विशेष अद्वैतवादी दर्शन में भाग लेता है वह एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं स्वीकार करता निर्विशेष अद्वैतवादी इसमें विश्वास नहीं करता ईश्वर ही एकमात्र पूजा के लक्ष्य है और सारे जीव उनके नित्य दास हैं आप में से कोई यह बता सकता है कि ये जो स्टेटमेंट नित्यानंद प्रभु ने कहा यह अद्वैताचार्य के लिए सही है क्यों ये जो स्टेटमेंट नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप जो निर्विशेषवाद का प्रचलन करते हो तो अद्वैताचार्य ने कब निर्विशेषवाद का प्रचलन किया भाई कौन बताएगा अद्वैताचार्य ने कब निर्विशेषवाद का प्रचलन किया मायावाद का प्रचलन अद्वैताचार्य ने तो नहीं किया उमेश प्रभु हरे कृष्ण नाम एक बार जब आ... चैतन्य महाप्रभु अद्विताचार्य को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे तो वो ऐसी रिस्पेक्ट लेना नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि वो उनके मतलब सीनियर है चैतन्य महाप्रभु गुरु है उनको थोड़ा तो डांटे वांटे पर वो ऐसा नहीं कर रहे थे तो शांतिपुर में जाके अद्वैताचार्य ने मायावर का प्रचार शुरू कर दिया मतलब जान के कि जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगेगा वो आएंगे और फिर चैतन्य महाप्रभु को जब पता लगा वो वापस गए और फिर थोड़ा गुस्से में उनको मारा भी अद्विता आचार्य को तो शायद इसलिए ऐसा किया था हरे कृष्ण धन्यवाद तो ये योग वशिष्ठ के सिद्धांत को ये बोलने लगे थे है ना थे? ये भी था और एक और चीज है कि ये सदाशिव जो हैं इनका भी समावेश अद्वैताचार्य में है और शिव जी ने इससे पहले ही मायावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है पहले शंकराचार्य के रूप में तो इसीलिए सदाशिव भी हैं इसी वजह से इनके लिए ये चीज कही जा रही है ठीक है तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आप इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ठीक है तो चलो इसको हम बाद में चर्चा करेंगे इस प्यार से एक सौ चौरानबे प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे ठीक है अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ आप इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा एक अभक्त भगवान के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को क्यों भूल जाता है पावनी ज्योति माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण भारी आकृष्ट होने के कारण दिखा मतलब तो अपने भगवान के साथ संबंध को भूल जाता है बाहरी आकृष्ट होने के कारण है बाहरी किस चीज से आकृष्ट भौतिक चीज से चलो तो। चारू गोपी माता जी बाह्य ऐश्वर्य का बाह्य ऐश्वर्य से आकृष्ट हो जाने के कारण होता है हां बाह्य ऐश्वर्य से आकृष्ट हो जाने के कारण ऐसा होता है ठीक तो वो फिर सारी चीजें इतनी सारी अपग्रेड होती रहती हैं इतने सारे नए-नए वर्जंस आते रहते हैं इतने सारे पेस्ट आते रहते हैं कि व्यक्ति फिर इसी में फंस जाता है और फिर चीजों को अपग्रेड करने में अपने टूथपेस्ट अपने बाथरूम अपने किचन पहले किचन नॉर्मल था फिर उसके चूल्हे पे आए चूल्हे से फिर उसके बाद फिर अभी मॉड्यूलर किचन आ गया अभी आजकल एक नया किचन आ गया है कौन सा बोलते हैं उसको कुछ एक नया किचन आ गया पता नहीं एक है हैंगिंग किचन या कुछ ऐसा किचन है <laughs> वो नया किचन आ गया अब लोग उस पर अपग्रेड हो रहे हैं तो इस बाह्य ये चीज के वजह से वो सेक्रीफाइस अपने भजन को नहीं करता हम्म ठीक है तो हैंड नीचे कर लेंगे आप ठीक है तो अभी इतना ही हम प्रश्न पूछते हैं चलो एक प्रश्न और पूछते हैं भट्टाचार्य का जीवन क्यों सुखमय हो गया क्योंकि पूरा आईडिया तो नहीं है पर अपनी करके समझ आया क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग पर उन्होंने आगे पहले तो वो बहुत ही भौतिकता के लीडर थे पर जिस जैसे ही उन्होंने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया उस पे आ, उस पे उस पे चल पड़े तो उसके बाद उनका जीवन सुख में तो जब भक्ति मार्ग में कोई आ गया तो भक्ति मार्ग में आ, वो उनका जीवन क्यों आसान हो गया एक कोई रीजन बताएंगे क्यों भक्ति क्यों श्रेष्ठ है कौन किस एक चीज की वजह से भक्ति श्रेष्ठ है संधिनी राधा बत्तिक का है है नहीं रहता। अपने को कोई झुकाना चाहता है। सब लोग ये चाहते है कि मैं क्यों झुकू हम बड़े इसी चक्कर में ये सारे लोग इतना आसान पद्धति नहीं फॉलो करते हम क्यों झुके इसी चक्कर में ये भक्ति जो है क्योंकि इसमें ये सब कुछ है इस वजह से आसान पद्धति और श्रेष्ठ पद्धति है और ये क्योंकि कृपा का मार्ग है ठीक है तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी हैंड रेस कर सकते हैं उमेश हरे कृष्ण धन्यवाद आ, ये ईगो वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आ रहा था प्रोजी। जैसे हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ऐसे सिखा दिया गया है कि आ, किस तरीके से भक्तों के साथ आ, रहना व्यवहार करना है पर जैसे हम ऑफिस में या और मटेरियलिस्टिक लोगों से देखते हैं तो इतने हम्बल नहीं हो पाते और अपना एक ईगो वाला रहते ही है प्रोजी। प्रोजी, ये कैसे किन फैक्टर्स पे काम करना चाहिए ताकि ये चला जाए अच्छा अब कहना यह है कि भाई मटेरियल सर्कल में प्रभु जी नहीं हो पाता है मटेरियल सर्कल में हम इतने विनम्र नहीं हो पाते है ना उमेश प्रभु यही ना यस प्रभु जी यस प्रभु जी भक्तों के संग में तो विनम्र हो जाते हैं पर मटेरियल सर्कल में विनम्र नहीं हो पाते एक्चुअली विनम्रता एक आदत है एक्चुअली मतलब मैंने देखा है विनम्रता एक तरह की आदत है ये आचरण एक तरह का आदत होता है so, मतलब इंटीग्रिटी रखना ह्यूमिलिटी का एक सिम्टम ये है कि बस जो है वो सच सच है जैसे कि कभी किसी ने अगर मदद किया किसी प्रोजेक्ट में तो जेन्युन प्रैक्टिशनर तो बनी बना ही जा सकता है इन स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज मटेरियल लाइफ जैसे मान लो आप तो उमेश प्रभु तो वहां नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में कोई आपको हेल्प करता है तो वहां बिल्कुल सहजता से ये बताया जा सकता है कि इन्होंने मेरी मदद की है दिस मच जेन्युइन फॉलोइंग इफ वी डू

इसलिए भक्तों के केस में हम पूरे हम्बल हो सकते हैं उनको कह सकते हैं बिल्कुल प्रभु जी मान लो एक प्रभु जी हैं उन्होंने बस कुछ नहीं किया आपको बस बताया कि इधर मंदिर है जाओ बस और कुछ नहीं किया लेकिन हम जीवन भर उसके कृतज्ञ रहते हैं हम कहते हैं अरे प्रभु जी थैंक यू सो मच आपने हमें विस्कोन से जोड़ दिया भक्ति में अभी हम आ गए हम जीवन भर उनके कृतज्ञ रहते हैं कोई ये कह सकता है कि अरे एक बार जोड़ दिया इतना क्या कृतज्ञता रहना लेकिन भक्ति में क्योंकि वो पहला जो, जो जोड़ना है वो बहुत मूल्यवान है इस वजह से इसको वैल्यू किया जाता है ना और मटीरियल सर्किल में जस्ट ए जेनुइन एक्सप्रेशन इज एज गुड एज ह्यूमिलिटी जैसा भी हुआ सच सच आपने व्यक्त कर दिया कि ऐसा हुआ आई ऑल्सो ट्राइड एंड ट्राई टू गिव माई बेस्ट सो दिस इज वॉट इट इज है ना? और ऐसे अगर क्यों कहता है देखा हमने कर दिखाया हमने ये कर दिखाया देखो इस तरह से बोलने मतलब एक आदत खराब हो जाती है फिर ए जेन्यन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ओके इन कंपनी ठीक है उमेश यस yes, समझ आ गया थैंक यू सो मच हरे कृष्णा धन्यवाद ठीक है और कोई प्रश्न किसी का या कोई टिका टुप्पणी any questions ठीक है तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं मैं सब को अनम्यूट कर रहा हूं और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा